sorry, as DJ. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल लर्न टेक्निकल टिप्स विद उस्मान। दोस्तों आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप व्हाट्सएप का थीम कैसे बदल सकते हैं। ये बहुत वो कहते हैं कि आसान सा काम है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो मैंने वीडियो बनाई, थीम बताऊंगा और वॉलपेपर चेंज कैसे करना है बताऊंगा। आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पर चैट में आ जाना है। चैट में आने के बाद सामने आपको शो हो रहा है थीम, तो यहाँ से आप अपना थीम चेंज कर सकते हैं। ये देखें तो ये थीम चेंज हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है वॉलपेपर, तो वॉलपेपर भी हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी चेंज कर सकते हैं। इसका और मेथड भी है कि थीम चेंज करने का। आप वापस आ जाएं, कोई भी ग्रुप, कोई भी चैट ओपन कर लें। चैट ओपन करने के बाद सामने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है आपने। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वॉलपेपर आ गया। वॉलपेपर यहाँ से आप अपना चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप अपना वॉलपेपर चेंज करना चाहें। तो ये देखिए मैं वॉलपेपर यहाँ से लगा लेता हूँ, यहाँ पे सेट हो गया। ये देखिए पीछे वॉलपेपर लग गया, तो लेकिन मैं नहीं लगा रहा इसको, मैं नथिंग कर रहा हूँ। तो डिफ़ॉल्ट पे भी कर सकते हैं, नो वॉलपेपर पे भी कर सकते हैं, तो मैंने नॉट वॉलपेपर पे कर दिए। उसके अलावा मैं इसको वापस ले लेता हूँ, जो हमारा थीम पहले का था वैसे मैं इसको कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप का थीम चेंज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। उसके अलावा यहाँ पर और भी छोटी मोटी सेटिंग है, वो भी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये एंड की है। अगर किसी को आप मैसेज सेंड करते हैं तो आपको भाई वो बता देंगे पहले नंबर पर जो है। दूसरे नंबर पर मीडिया विजिबिलिटी, ये ऐसे है कि कोई व्हाट्सअप से अगर कोई चीज़ आती है तो वो शो नहीं होगी अगर आप इसको बंद कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर नीचे बैकअप का भी रोल है। उसके अलावा एंड की का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इनेबल और नॉट इनेबल भी आप यहाँ से कर सकते हैं, यानी शो हो या ना हो। उसके अलावा नीचे बैक ड्राइव का है, आप यहाँ से बैक ड्राइव को भी कर सकते हैं अपने डेटा को भी। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।